दोस्तों फरीदाबाद के सेक्टर 14 से लाइव हूं, देख सकते हैं यहां पायलट गाड़ियां आ रही हैं। रोहित नागर दिखाई पड़ रहे हैं आपके सामने, और देखें ये देखें एक गाड़ी आई, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतर रहे हैं इस गाड़ी से, देख सकते हैं। और बता दें वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल नागर कार्यकर्ता सम्मेलन, देख सकते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदरभान उतरे, ये देखें चौधरी यशपाल नगर जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद चौधरी उदयवन जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद चौधरी यशपाल नगर जिंदाबाद। सिकला यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं, नितिन कुमार सिकला है, उनकी टीम है, ये देखिए। और इधर देखें पूर्व धन्यवाद, आभार जता रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने का। स्वागत समारोह है सेक्टर 14 में, भूपेंद्र हुड्डा मौके पहुंचे हैं, तमाम कांग्रेस नेता यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं।
बड़ी माला आ रही है, बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फूल माला से स्वागत करते हुए हमारे बीच में भाई विजय प्रताप जी, श्री अर्जुन देवतिया जी, तरुण देवतिया जी, सर सिंह और बड़ी माला आई है। विधानसभा क्षेत्र में पिछला चुनाव भाई लखन सिंगला जी ने लड़ा था, जिन्होंने यहाँ से 50,000 वोट प्राप्त की। लखन सिंगला जी और उनके बेटे नितिन सिंगला जी हर घर जाकर के कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और जनसेवा में लगे हुए, इसलिए मैं लखन सिंगला जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखे। लखन सिंगला जी देखें, लखन कुमार सिंगला देखो भाई, सब बैठ जाओ, बच्चे खड़े हैं ना, सब बैठ जाओ। परम आदरणीय मंचकर आसीन हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक, हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई उदयवान जी, पलवल से पूर्व के कैबिनेट मंत्री, शेरों के शेर बप्पर शेर भाई करण दलाल जी, और इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे बड़े भाई यशवंत नागर जी, रोहित नागर जी, और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, क्योंकि 2 मिनट का ही समय मिला है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और मेरी बात सही होता बताना नहीं मना कर देना, सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अधिकारी वर्ग बैठे हुए, मैं सबको जानता हूं कि फरीदाबाद के अंदर मेट्रो, बदरपुर फ्लाईओवर, आईएमपी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, गुड़गांव में सोना बाईपास, 6 लाइन कैली बाईपास, और मीठे पानी की रहने वाली योजना किसने दी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी। आपको पता है आज तक बल्लभगढ़ से मेट्रो का पोल 9.5 साल में एक पोल भी आगे लगा होता, आप बताइए 9.5 साल में किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था को 1 इंच जमीन भी दी होता, आप बताओ? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम थे, किसान भवन, चाट भवन, गुजर भवन, पंजाबी भवन, सेक्टर 16 के अंदर 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड, और सेक्टर 3 के अंदर दलित भवन, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन, किसकी जयंती? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जयंती। आज फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम का कुछ नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है और चौधरी जवान जी की रहनुमाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बन रहे हैं, 70 से 75 सीट आ रही है। आरे नहीं आ रही, हाथ उठाकर समर्थन करो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कांग्रेस को वोट डालें और 9 दिनों विधानसभा चिता के भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देख सकते हैं लखन कुमार सिंगला थे, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 50,000 ज्यादा वोट पा चुके हैं। मेरी सभी वक्ता साथियों से प्रार्थना है कि समय 1 या 2 मिनट से ज्यादा न लगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई जेपी नागर जी आए और अपनी बात रखें। भाई जेपी नागर जी, ये देखिए, फिर बता दें स्वागत समारोह है रोहित नगर और इस्पाल नगर द्वारा, और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचे हैं, होने वाले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं, और भारत में किसानों के सबसे बड़े रहनुमा यदि कोई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ऐसे परिवार से जिसकी 3 पीढ़ियां सेवा में है, आपके फादर ने भी, तो रणवीर सिंह ने देश की आजादी में पचहत्तर हिस्सा लिया, जो भारत का संविधान है उस संविधान की रचना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो साहब हमारे सामने जो लोग बैठे, आम जनता नहीं है, हमारी चौधर है, ये सब मौजूद लोग हैं
और सब इस उम्मीद में हैं कि आने वाला समय आपका हो, क्योंकि उदयधाम जी के नेतृत्व में आपकी सरकार बने। मंच पर मौजूद भाई करण दलाल जी, भाई यशपाल नागर जी, सुमित गौड़ जी, विजय प्रताप जी, रघुवीर देवतिया जी, मेरे तमाम साथी भाई वेदपाल साहब, कंवर साहब, तमाम साथी बैठे हैं। लंबी बात नहीं कहूंगा, तो कोई वैसा फंक्शन नहीं है। हम सब लोग तो आपके स्वागत में इस उम्मीद में कि बहुत जल्दी ही हरियाणा का नेतृत्व आपके हाथ में होगा और जो उम्मीदें हैं इलाके को, जैसे पलवल तक, हुडल तक मेट्रो का जाना, गुड़गांव तक जाना, इस सरकार के टाइम में तो मेट्रो एक इंच बढ़ी नहीं है, तो आपकी देन है। यदि सेक्टरों में सीमेंटेड सड़कें बनी थी तो जैसा सिर्फ आपके टाइम में बनी थी, आज तक दोबारा सीमेंटेड सड़क नहीं बन रही। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा छोटा मुन्ना, इसका भी धन्यवाद, बड़ी मेहनत की है इसने, और भाई यशपाल जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। पंडित जी योगेश गौड़ जी, बिना विलंब किए आप आए और अपनी बात रखते हैं, और समय का भी ध्यान, मुझे बार बार एक मिनट का टाइम। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और सम्मानित मंच, मैं आपके सामने इतनी भीड़, हुड्डा साहब हमारे सेक्टरों के लोग आते नहीं हैं, लेकिन आपका नाम सुन के, आपके आने की आवाज सुन के, ये सेक्टरों के लोग घर से निकल के आपको सुनने, आपको देखने के लिए आए हैं। आप हरियाणा के विकास पुरुष हो, आपने जो विकास किया उसके आगे किसी ने कुछ नहीं किया। आने वाला समय आपकी और टकटकी लगाकर देख रहा है, तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनका मैं स्वागत करता हूं, और चौधरी यशपाल नागर जी और रोहित, इसकी मेहनत से ये सारा हुआ है, इन दोनों बाप बेटों का भी धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, मॉनिटरी सेल के जो चेयरमैन है प्रदेश के, गफ्फार कुरैशी जी आए और एक मिनट के अंदर अपनी बात रखे। अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, हमारे हरियाणा के विकास पुरुष और हरियाणा की आन बान शान, हमारे भावी मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे बहुत ही संघर्षशील और जिनकी अच्छी छवि इलाके में जाने माने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे बहुत ही दबंग नेता चौधरी करण सिंह दलाल जी, हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेरे भाई यशपाल नागर जी, और जैसे कि आदेश हुआ है सम्मानित मंच, और हमारे फरीदाबाद के मौजूद बुजुर्गों भाइयों, आज हुड्डा साहब और हमारे अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं, हुड्डा साहब विजय प्रताप जी भी पहुंचे हैं यहाँ, फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव तमाम संभावित उम्मीदवार यहाँ बैठे हैं, को संवारने में, चमकाने में, बनाने में कोई कौर कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, तो अभी फिर यानी कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के टाउन से फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और हुड्डा साहब फिर विकास और तरक्की को वही पहली जैसी प्रगति देंगे जैसे पहले हरियाणा नंबर एक पूरे देश में शुमार होता था, फिर हरियाणा नंबर एक पे होगा। और जहां जहां हुड्डा साहब और अध्यक्ष जी जा रहे हैं, ये एक जोड़ी ऐसी है कि बहुत लोग उनके जुड़ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, और आप लोग भी साथ रहेंगे, आप भी जुड़ेंगे, और आगे चल के आपके आशीर्वाद से फिर कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सीएम बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। देख सकते हैं सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि सम्मानित मंच करके प्लीज करेंगे, समय समय का समझे प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे, सम्मानित मंच करके सबको सुझाव करते हैं। अब मैं आपके बीच में अगले वक्ता के रूप में
आप सभी के लाडले भाई विजय प्रताप जी आए और अपनी बात शीघ्रता के साथ रखे। विजय प्रताप जी हम सबके नेता और इस हरियाणा के निर्माण में जिनकी नवनिर्माण में सबसे अधिक भूमिका है, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय उदयवाल जी, आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सभी बुजुर्गों, प्यारे साथियों और मातृशक्ति प्रेस और छायाकार बंधु, देखिए एक समय था कि फरीदाबाद एनसीआर में सबसे ऊपर पायदान पे था। बाहर से लोग आते थे तो कहते भाई दिल्ली के बाद कहाँ रहा है तो फरीदाबाद। और आज केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकारें 10 साल से और फरीदाबाद को क्या मिला, आज फरीदाबाद एनसीआर में सबसे निचले पायदान पे। 450 करोड़ का तो रेनीवेल का प्रोजेक्ट हुड्डा साहब आपने दिया था, उसका भी पानी आज तक इस शहर को नहीं पहुंचा पाई। पूरे शहर में सीवर की समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, कहीं ऐसा 200 मीटर का टुकड़ा इस फरीदाबाद में नहीं है 300 का जहां सड़कें ठीक हो। नगर निगम का घोटाला पूरे हरियाणा ही जानता है। मेट्रो आपने बल्लभगढ़ तक दी, इसके आगे इन्होंने घोषणा तो की लेकिन न गुड़गांव तक लेके न पलवल तक। इतनी आबादी शहर की बढ़ गई है, आज इतने कॉलेजेस चाहिए। आपके समय में यूनिवर्सिटी बनी, YMCA बनी, ESI मेडिकल कॉलेज बना, कांग्रेस के समय में भी नेहरू कॉलेज बना, लड़कियों का कॉलेज बना, गवर्नमेंट कॉलेज तिगाम बना, उधर कोई कॉलेज भी नहीं। तो ये सब चीजें अगर वापस चाहिए इस शहर को, वापस शहर का दर्जा चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक ही आवाज है, एक ही उम्मीद है और वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और उदय भान जी की जोड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जोड़ी को आप ताकत देंगे और ये सभी जगह जाकर आपको ये विश्वास देगी कि कांग्रेस दोबारा आएगी और दोबारा हमारा शहर तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। विजय प्रताप सिंह थे। अब बिना विलंब किए हमारे बीच में पहुंची हुई सुश्री बहन शारदा राठौर जी, बल्लभगढ़ से विधायक क्या रह चुकी है, संसदीय सचिव रह चुकी है। बहन जी आए और अपनी बात रखे आदरणीय बहन शारदा राठौर जी। जन जन के प्रिय छत्तीस बरादरी के दिलों में रहने वाले हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, यहाँ हमारी बहुत प्रसिद्ध जोड़ी माननीय हुड्डा साहब और माननीय अध्यक्ष जी की जोड़ी का अपनी तरफ से भी, क्योंकि अपना इलाका है, मैं दिल की गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों की रहनुमाई में अभी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है और कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव भी है। इस प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन की लहर चल रही है और इन दोनों के नेतृत्व में प्रदेश में बदलाव आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम सब दिल से मेहनत करेंगे। जिसको भी आप टिकट देंगे, एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना इस पार्टी की मजबूती के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लगाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये थी कुमारी शारदा राठौर, बहुत अच्छी बात रखी। अब मैं आपके बीच में विधायक रह चुके, दो बार विधायक रह चुके भाई कर्ण सिंह दलाल जी आए और दलाल साहब अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री कर्ण सिंह दलाल, तमाम कांग्रेस नेता मौजूद है, ये दिखाते हैं। बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और होने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय भाई यशपाल नागर जी और सम्मानित मंच, उपस्थित सभी
महानुभाव नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं भाई यशपाल जी का, उनके बेटे का, उनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे इलाके की सरदारी आज यहां बैठी है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में हमारे इन भाइयों का ज़्यादा कोई योगदान नहीं रहता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शहर के सभी वाणिज्य परिवार से जुड़े हुए लोग, किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग और पूर्व में रहे हमारे इलाके के सभी होनहार नौजवान यहाँ पर उपस्थित हैं। ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं तो बस एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से हमारा ये इलाका फरीदाबाद पलवल ये हरियाणा में हमारी शुमारी नहीं होती। शुमारी हरियाणा में अगर कराई या तो चौधरी बंसीलाल जी के समय में, जो उन्होंने पूरे हरियाणा के एक गांव एक एक इलाके के ऊपर ध्यान दिया, या उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी इस बात से कि हमारे विधायक जीतते हैं या हारते हैं, इन्होंने सारे हरियाणा में बराबर काम किया। अब सवाल हमारा और आपका है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो जो धोखा है उसकी मार खाली राजनीति ने हमारे ऊपर नहीं पड़ी। सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है जो ये गैर कानूनी कारखाने राजनीतिक लोगों की सह से और बेईमान अधिकारियों की वजह से इस इलाके में चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। सेक्टर 14 फरीदाबाद का नाम देने के बावजूद भी हरियाणा के फरीदाबाद की हालत आज इतनी खराब हो चली है कि चारों तरफ धूल उठती रहती है, कूड़े करकट के ढेर पड़े रहते हैं। कूड़ा करकट उठाने के लिए भी हमारे इलाके को धरने और प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन सरकार की कानों पर जू नहीं रह रही है। 10 साल से लोकसभा का नुमाइंदा देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है, लेकिन आज तमाम हरियाणा में बहुत दुख की बात है, जो एक नुमाइंदों की हैसियत हुआ करती थी, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे चाहे वो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, वो लोगों की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं, अधिकारियों के ऊपर दबदबा हुआ करता था, लोगों को राहत मिला करती थी, लेकिन आज इस फरीदाबाद लोकसभा इसके अंदर बनने वाले भाजपा के तमाम विधायक गुलामों की तरह लोगों के साथ जो जातियां हो रही हैं उनके ऊपर आवाज तक नहीं उठाई जा रही। कब तक बर्दाश्त करोगे आप इन जातियों को? आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको इनकी जो इन्होंने गुस्ताखियां किया उनका जवाब देना होगा, और जवाब देने के लिए समय आपके सामने है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि 10 साल आपने भाजपा का ये धर्म के ऊपर चलने वाला राज देखा, अब हमें काम की जरूरत है, बच्चों को रोजगार देने की जरूरत है, सही शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार को बंद करने की जरूरत है, सही सांस लेने की जरूरत है, सही पीने का पानी पीने की जरूरत है। लानत है ऐसी सरकार को जो पीने का पानी भी नहीं दे सकते। आज फरीदाबाद के सेक्टर में खारा पानी पीने को लोग मजबूर हो रहे हैं, तो हमें अब खड़ा होना चाहिए। आपसी मतभेद सब बातों को भुला करके हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कांग्रेस की, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, हम सब मिलकर के इनका साथ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब पगड़ी कार्यक्रम के लिए मैं महेंद्र राणा जी तिगांव से, वीर सिंह नंबरदार भतोड़े से, मास्टर रतिचंद जी तिगांव से, विक्रम सरपंच तिगांव से, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ थोड़ी शीघ्रता से आए, और पगड़ी कार्यक्रम पंडित गजराज कौशिक, अरे सरपंच जी बुला ले मारा, खुशीराम नागर जसाना से आए, और हुड्डा साहब को हमारे हरियाणा प्रदेश मुजहरी से राजवीर सरपंच आ जाए। ये हमारी राम लखन की जोड़ी है जिसमें राम की भूमिका हमारे हरियाणा के विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ छाया के रूप में लक्ष्मण का जो रोल निभा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष प्रधान श्री उदयभान जी, दोनों का पगड़ी पहनाकर समाज की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उधर बना ले।
ये देखें, अभी और दिखाते हैं, अभी पगड़ी पहनाई जा रही है, अब किसी का पीछे का हिस्सा दिखाना पड़ेगा, इसलिए श्री उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष जी को राजवीर सरपंच जी उनके साथ वीर सिंह नंबरदार जी पंडित गजराज कौशिक जी ये उनका साथ देंगे और ये प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयवान जी को पगड़ी पहना कर उनका स्वागत करेंगे। अब बाकी जो हमारे विधायक और हमारे गणमान्य सम्मानित जो मंच पर बैठे हैं वही बैठ रहेंगे। मेरा जो भतीजा लाडला रोहित नागर और सभी को वही पगड़ी से सम्मान करेगा और अगले वक्ता के रूप में क्योंकि कार्यक्रम चलता रहे। मैं आपके बीच में बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री उदयमान जी आए और अपने विचार रखेंगे। श्री उदयमान जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस कमेटी, अच्छा अध्यक्ष जी को सौंपा माना जा रहा है, तो फिर मैं भाई यशपाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो उनका धन्यवाद करें। भाई यशपाल नागर जी आए और अपनी बात रखें। आज मेरे विश्व निवास स्थान पे एक चाय का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था रोहित ने स्टेज में बढ़वा करके, मैं तो भाई साहब को चाय के लिए कहा था, ये चाय पहले तिगांव में रखी थी और तिगांव की चाय होती तो आज मेला होता है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि नहीं घर पे रख ले, मेरी कोई मीटिंग है दिल्ली में, लेट हो जाएंगे तो घर पे मैं आ जाऊंगा, घर पे चाय रख ले। तो मैंने रोहित को कहा बेटे चाय का प्रोग्राम है, कोई आज कोई ना कोई सभा की मीटिंग थी। मैं तो एक बात जानता हूं कि फरीदाबाद के अंदर आज हुड्डा साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री रहे 10 साल उदय भान जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और जो मेरे मंच में सारे साथी मेरे भाई बैठे हुए हैं उनका भी धन्यवाद, प्रेस के बंधुओं को और इलाके के लोगों को सेक्टर के लोगों को सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बात आज कहना चाहता हूं हुड्डा साहब, 2004 में जब हमारा 9 साल तक राज नहीं था आप प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं बराबर भाई साहब के साथ रहता था हुड्डा साहब के साथ, हमने लाखों आदमी की रैली की थी फरीदाबाद के अंदर और हमने ओम प्रकाश चौटाला का राज छीन लिया। आज वही वक्त है, नवी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया है। पहले मुखर्जी साहब बोलते थे हम 70 सीट जीतेंगे, 70 का नारा देते थे, आज 10-10 लोकसभा का नारा देते हैं, तो इनको झूठ बोलने की आदत है। मोदी जी कहते हैं आपके 400 पार, मगर आज होटल की रैली देखी आपने, ये चाय का प्रोग्राम आप देख रहे हो, हुड्डा साहब के प्रति, उदय भान जी के प्रति, और मैं तो एक ही बात कहता हूं अगर लोकसभा का टिकट किसी भाई को मिल जाए आपको सबका कांग्रेस का साथ देना है। और इस जिले में अच्छी तरह से लोग जानते हैं, चाहे विपक्ष का हो, इस फरीदाबाद को सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया, सारे प्रॉपर्टी में बने हुए हैं और मैं एक एक की दुकान बंद कर दूंगा अगर समय आया तो, एक एक की नस्ल को जानता हूं। इस फरीदाबाद जिले के अंदर विधायक मंत्री एमएलए किसी को नहीं पकड़ सके, किसी की जमीन को, किसी की जायदाद को चारों तरफ से शहर को लूट के फेंक दिया 10-9 सालों के, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहा है कि किसी तरीके से सरकार बदले और किसानों का भला हो, गरीबों का भला हो, मजदूरों का भला हो और बच्चों को रोजगार मिले। तो आज ये भाषण देने का वक्त नहीं है,
भाई साहब इजाजत देंगे तो 12 सेक्टर में कई लाख आदमी की रैली करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और भाई साहब इस बात की समझाने दो, जब हमारे और भी बड़े लेकर आएंगे यहाँ पे, तो मैं दोबारा राम भागवत साहब का, उदय भान जी का, दलाल साहब का, नागर साहब का, सब रणवीर देवदिया साहब जी, विजय प्रताप, शारदा राठौर जी, वीरपाल पहलवान जी, वकील साहब बैठे हैं, लखन सिंगला जी, सारे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बच्चे का हौसला बढ़ाया, ये प्रोग्राम इसका था, इसने कह करके, मैं बड़े भाई साहब के साथ ढोंडा साहब के साथ बैठा था, बोला चाय पिलवानी है अंकल को मुझे, और तेराम में अपनी अपने ऑफिस में पिलानी है, लेकिन कोई बात नहीं, घर पी ली और गुफा पे पी ली, एक ही बात है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं जसपाल नागर जी थे। अब मैं अनुग्रह करता हूँ हरियाणा प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी आए और अपने विचार रखे आदरणीय अध्यक्ष महोदय। जन जन के आशा और विश्वास के प्रति हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पांच पांच वर्ग के विधायक और पूर्व मंत्री परम आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, आज के इस चाय कार्यक्रम पर जिन्होंने आयोजन किया, आदरणीय मेरे बड़े भाई यशपाल नागर और अजीज रोहित नागर, इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारी बहन शारदा राठौर, आदरणीय रघुवीर सिंह तेवतिया पूर्व विधायक, भाई लखन सिंगला जी, विजय प्रताप जी, श्री जेपी नागर जी और योगेश गौड जी और सभी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, भाई नीरज गुप्ता जी और अन्य सभी मेरे साथीगण, और इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित जो शहर के गणमान्य साथीगण, नौजवान दोस्तों, प्रेस के मीडिया और छायाकार बंधु, आदरणीय हमारे बड़े भाई यशपाल नागर जी ने चाय पर आमंत्रित किया और यहां पर यह सभा का आयोजन हुआ, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं इस समय भाषण की बात नहीं है, लेकिन यह मन में अवश्य विचार करने की जरूरत है कि क्या आप जुमलेबाज वालों, जो झूठे लोग हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनको आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं या इस झूठ की दुकान को बंद करना चाहते हैं। ये फैसला आपने लेना है। अभी इनेलो की और बीजेपी की गठबंधन की सरकार का जिक्र किया था तो पूरे फरीदाबाद में था कि इस फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। 2005 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने तो जो फरीदाबाद का बेड़ा गर्क किया था, यहां से कितनी इंडस्ट्री छोड़ करके चली गई थी, उस फरीदाबाद को दोबारा से वो स्थान दिलाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए इस शहर के लिए दिए, जिससे यहाँ की सड़कों की, पीने के पानी की, सीवर की व्यवस्था को सुधार सके, चाहे इस YMCA को यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेट्रो बल्लभगढ़ तक लाने की बात हो, और चाहे फ्लाई ओवर बदरपुर की बात हो, चाहे ESI मेडिकल कॉलेज की बात हो, और चाहे ये ग्रेटर फरीदाबाद बसाने की बात हो, चाहे IMT फरीदाबाद में स्थापित करने की बात हो, जिस IMT में जो हमारे MSME वाले हैं उनको ठीक से कोई वहां पर उद्योग धंधा करने की हो सके, इस तरह का उन्होंने इस फरीदाबाद को प्रोग्रेस रूप में करने का काम किया। अभी आप ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और उस पहली लिस्ट में फरीदाबाद का नंबर था। अब अपनी आत्मा से दिल से पूछना
क्या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया है या आज पूरे हरियाणा में सबसे गंदा शहर अगर कोई है तो फरीदाबाद, जिसमें कहीं भी कोई सड़क ठीक नहीं, जगह जगह कूड़े के पूरी तरह से जगह जगह डेली अखबारों में चित्र आते हैं, पूरा जो फरीदाबाद का पूरा नरक बना करके रख दिया। इस फरीदाबाद में नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जिसको सीएजी ने पकड़ा। इन घोटालेबाजों को आप आगे लेना चाहते हैं? जो एमएलए और जो मंत्री जो यहाँ पे एमपी हैं, किस तरह की लूट मचा रखी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, पहले साथ में बता दिया। चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे इलीगल बसों का जिस तरह से जो सैकड़ों बसें चलाई जा रही हैं, चाहे इलीगल तौर से आठ प्लॉटों पर कब्जा करने का, मकानों पर कोठियों पर कब्जा करने के ये काम चल रहे हैं सारे, इसमें फरीदाबाद में पूरी तरह से इन्होंने लूट मचाने का काम कर रखा है। आज इससे राहत की जरूरत है। आज ये झूठे लोग जो कहा था, जो हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 को ट्वीट किया था कि फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मैं मेट्रो लेकर के मेट्रो हमने मंजूर कर दी है, जिस पर 32.14 किलोमीटर 14 स्टेशन होंगे और 5900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन झूठे लोगों से पूछो क्या फरीदाबाद से मेट्रो का क्या हुआ? आज तक एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने बजट में प्रोविजन किया है? पढ़े लिखे लोग बैठे, क्या एक पैसा भी कोई बजट में प्रोविजन किया है?